तो गाइस फाइनली हम लोग मैयर पहुंच गए हैं और हम लोग ट्रेन से भी उतर गए हैं। आप देख सकते हैं नीचे खड़ी है ट्रेन और हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ब्रिज को पार करके फिर उस साइड उतरेंगे और देखते हैं कैसा क्या सिस्टम होता है, फिर बताएंगे आगे। लीजिए पहुंच गए। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने पानी भर लिया बोतल में, इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा यहाँ का माहौल देखते हैं। देखिए चारों तरफ की लड़कियाँ भी बहुत हैं और आगे देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। देखिए बच्चे भी हैं यहाँ बैठे हैं और आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए चारों तरफ के ऐसा कुछ व्यू है और यहाँ चलते हैं आगे। और हम लोग टिकट भी अभी चेकिंग हुआ, देखिए हर जगह भी टिकट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि आप लोग ऐसे समझते हैं कि बिना टिकट में पहुँच जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि टिकट तो हर जगह चाहिए होता है। यहाँ दो बार चेक इन हुआ, इसके बाद दिखाया क्योंकि हम लोग ने टिकट काट के आए थे, एक इंसिडेंट भी हुआ था वो आपको बाद में बताएंगे। तो गाइस आपको पूरा सीन दिखा दिया और आगे चलते हैं। हम लोग जाएंगे अभी थोड़ी देर से मैयर में और लड़कियों को देखिए बहुत ही सेक्सी लड़कियाँ थी, लेकिन इग्नोर करके हम चले आए क्योंकि हम लोग सख्त लौंडे हैं। तो अभी बाहर आ जाते हैं, इसका देखिए एंट्री गेट ऐसा कुछ है, ये मैयर का जो मेन गेट एग्जिट गेट नंबर, और आप देखिए ये है पूरा सिस्टम रेलवे स्टेशन का। तो गाइस हमने फास्ट फूड खाने के बाद जो फुल्की चाट समोसा वगैरह खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं इस ऑटो में, छोटा वाला है, ऑटो में बैठ के जाएंगे अभी थोड़ी माता रानी के मंदिर तक। बोल रहे हैं कि भैया अंदर तक एकदम पहुँचा देंगे जहाँ तक जानते हैं रास्ते। तो सिस्टम 20-20 रुपए लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने बोला कि 20 लीजिए चाहे 30, कोई दिक्कत वाली, लेकिन एकदम अंदर तक छोड़िएगा। बोल रहे हैं बस माता रानी के लिए प्रसाद और चुंदरी वगैरह ले लिया है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए पीछे चारों तरफ सेक्सी सी लड़कियां भी हैं, तो देखिए चारों तरफ का यहाँ का सिस्टम। आगे चलते हैं, ऊपर जाके दिखाएंगे आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पीछे लड़कियों का जो कि सेल्फी पॉइंट है। और तो गाइस मैं सुबह से दिक्कत का सामना कर रहा हूँ, जैसे पहले एक पुलिस वाला केस हो गया पुलिस वाला केस होने के बाद अपना वहाँ से फिर अपना हैंडल किया, हैंडल करने के बाद फिर जाके यहाँ आ रहे, तो यहाँ लड़कियाँ पकड़ रही है, पाओ क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा है लड़कियों को हो क्या जाता है भाई। तो गाइस मेरा हार्ट बीट बहुत ही बढ़ रहा है क्योंकि लगभग समथिंग 400 लगभग क्रॉस सीढ़ी क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ से देखिए चारों तरफ सेक्सी, राम 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 राम, अच्छा सा नज़ारा है। और आगे चलते हैं। गाइस मैं आप उस समय पहले आपको दिखा नहीं पाया था, ये देखिए इसका मंदिर है, कितना बड़ा बड़ा घंटा लगा हुआ और चारों तरफ देखिए बहुत ही भीड़ है, श्रद्धालुओं का बहुत ही यहाँ जमावड़ा होता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ देखिए पीछे मंदिर है माता रानी का, क्योंकि ऊपर से मतलब कैमरा वगैरह यूज़ करना वहाँ मना होता है, सकते कि वो इतनी भीड़ होते हैं वहाँ, यदि पब्लिक कैमरा यूज़ करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाते हैं, इसलिए कोई करता नहीं है, मना रहता है। इसलिए मैं दिखा देता हूँ बाद में, ये देखिए इसका इस साइड का सीन और ये पीछे का बैकग्राउंड देखिए। तो प्रशांत बताइए कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, बोला कि बहुत ही अच्छा लगा। और आप देखिए यहाँ लेफ्ट है पीछे, यहाँ से जो चढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए उदाहरण किया गया है। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं। इस मंदिर घूम के नीचे अभी आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अभी जा रहा हूँ पैदल, बहुत ही पाँव में टच कर रहा, माता रानी का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, तब तक के लिए राम राम।